Next. नंबर वन, बहुत सारे स्टूडेंट से डिस्कशन, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर स्टडी कैसे करनी, वो क्या करते हैं, इम्बैलेंस प्रेपरेशन कैसे होगी। लेट से चार टॉपिक हैं, यहीं रखिए, चार टॉपिक हैं और उसमें 25 मार्क्स ईच, लेट से हाइपोथेटिकल, ठीक है, 25 मार्क्स ईच, लेट से करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनीथिंग और ए बी सी डी व्हाटसोएवर। अब जिसका करंट में बहुत इंटरेस्ट है वो क्या करेगा, दिन रात करंट अफेयर पढ़े जा रहा। लेट से वो चार साल भी अगर पढ़ लेता उसको तो मैक्सिमम कितने मार्क्स आएंगे उसके, 25 से 26 तो नहीं आ सकते, ठीक है। दूसरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, उस पर कम पढ़ रहा आधा घंटा, लेट से उसके 25 नहीं आए, उसके 15 आ गए, और जिसने पूरा टाइम 25 आने में लगाया उसको उधर 10-10 रह गए, और जिसने बैलेंस स्टडी रखी उसके 15-15 या 20 आ गए, तो पढ़ गया 10-15 नंबरों का फर्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए नहीं पास हो पाते, इसलिए नहीं क्रैक कर पाते एग्जाम को, क्योंकि दे आर डूइंग द इम्बैलेंस प्रिपरेशन। जस्ट आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट्स एंड पुट सम एफर्ट ऑन दैट। 5 नंबर से 15 नंबर लाना बहुत ईजी है, 20 नंबर से 25 नंबर लाना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे मुश्किल होता जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाना बहुत ईजी है। 15 या 20 के बीच में एवरेज रखना बहुत ईजी है। और जिससे मैं बात की कि जिसने 4 साल अगर करंट अफेयर पे लगाएंगे वो भी 25 में से 22 से 23 ऊपर नहीं ला पाएगा मार्क्स। एग्जामिनेशन पैटर्न इस तरह का वो सेट किया जाता है कि 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नॉर्मल स्टूडेंट कर लेता है, 60% ऐसे 10% एक्स्ट्रा आ गया जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट किए होंगे। फिर जब 90 से 100 की रेंज में आ जाएंगे, आप जो मर्जी कर लो, जो कम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें बहुत मुश्किल होता है। तो जस्ट ट्राई टू डू अ बैलेंस स्टडी, राइट। वन मोर टेक्निक इन द एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी आई विल लाइक टू डिस्कस विद यू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस तरह से आपने सॉल्व करने हैं, यही रुक जाऊँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या है बेसिकली, जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं इस टेक्निक को प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही आपके लिए इफेक्टिव रहेगी ये टेक्निक। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उसकी कोई बुक लेते हैं तो आप फर्स्ट इंस्टेंस में उस सारे आंसर्स को मत पढ़िए, पीछे उसके आंसर्स दिए होंगे उनको निकालिए और पहले टिक कर दीजिए जो करेक्ट आंसर्स है, ठीक, उसको आपने करेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने सिर्फ उसी को रिवाइज करना। क्वेश्चन नंबर वन, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है तो आप सी को पढ़ेंगे, ए बी और डी को नहीं पढ़ेंगे, डन, आपने कर लिया इस तरह से रिवाइज। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं और आप वो क्वेश्चन देखते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, मे बी 100th of a second, सबकॉन्शियस माइंड आपको मैसेज देता है कि ये वाली चीज थी, क्योंकि ब्रेन में स्टोर तो है ऑलरेडी, अब कॉन्शियस माइंड उसको नहीं सुनने देता, उसके बाद हमने लॉजिक लगाना शुरू करते हैं, ये नहीं वैसा होगा वैसा होगा, तो वो चीज आपने नहीं सुननी है उस टाइम, जो फर्स्ट, और ये चीज वहीं चलेगी जहां पे आपने वो चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है, मीन कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर स्टोर है, तो सबकॉन्शियस माइंड वहां से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की क्लिक करेगा और आपको बता देगा कि ये इसका आंसर है। मेरे फ्रेंड थे, उनका एफ कैट का एग्जाम था, चंडीगढ़ की बात है, पिछले साल की बात है, शाम का टाइम है, 6 बजे चंडीगढ़ घूम रहे थे, कहते शाम के टाइम पे बहुत टेक्निक्स खाते, मेरे को टेक्निक वर्क कर मेरा एग्जाम ठीक हो जाए, मैं कहते पानी यहाँ तक था तो तैरना सीखे तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पहुँच जाए फिर तो कोई फायदा नहीं। पर फिर भी उसका ये टेक्निक बताई मैं कि जब आप पेपर दोगे ये वहाँ पे चलेगी जहाँ पे चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं लेकिन आपको डाउट है 50-50 की ये है या नहीं है, वहाँ पे आपने अपनी कॉन्शियस माइंड की नहीं सुननी, आपने सबकॉन्शियस माइंड की सुननी है, एंड दैट इज वेरी पावरफुल। अभी हमने यही एग्जांपल देखे कि हाउ पावरफुल इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। और नेक्स्ट डे जब वो आया तो उसने कि मेरे 10 क्वेश्चन ना इसी टेक्निक से ठीक हो गए, एंड ही क्वालिफाइड फॉर दैट प्रीलिम्स। तो एग्जाम की बहुत सारी टेक्निक्स हैं और 2 टेक्निक्स मैंने आपसे डिस्कस, थर्ड टेक्निक यही है कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल चल रहा, आपने 3 घंटे का अगर एग्जाम है तो उसमें 2 बार आपने ब्रेक लेनी है आफ्टर ईच आर, 1 घंटे के बाद आप बाहर जाइए वॉक कीजिए, जो आपको टेक्निक बताई टर्बो चार्जिंग वाली, ठीक है, आप ब्रेन को जल्दी से रिचार्ज कर लिए, और इट विल टेक हार्डली 1 or 2 मिनट्स, वॉक जाए या वॉशरूम जाए, चलते चलते भी आप
जल्दी जल्दी से सांस लेंगे तो आपका एकदम से ब्रेन का जो बैलेंस है वो रिलैक्स हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक, तो थ्री टेक्निक्स वी लर्न्ड।